सरकार इसी को लेकर घबराई हुई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के आने के बाद से आरएसएस की ओर से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो सियासी गलियारों से लेकर देश के कोने कोने में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरएसएस के वरिष्ठ विचारक इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम भक्ति वालों को अहंकार आ गया है। इस बयान से विपक्ष पर तो तंज कसना स्वाभाविक था, लेकिन बीजेपी पर दिए गए बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। चौबीस के चुनाव में बीजेपी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपक्ष ने तो बीजेपी को घेर ही लिया, लेकिन अपने भी यानी आरएसएस ने भी इशारों इशारों में ऐसे रामबाण छोड़े जिससे अहंकार के नाम पर जंग छिड़ी हुई है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर ही नहीं बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर भी कड़ा प्रहार किया है। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। खास बात यह है कि संघ प्रमुख ने 10 जून को भी बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने याद दिलाया था कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता, मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। हालांकि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है, और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था तो वो बात बिल्कुल सही है। जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। विपक्ष भले ही बीजेपी पर तंज कसने के लिए आरएसएस के कंधों का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन यूपी के कैबिनेट मंत्री बीजेपी के बचाव में आ गए हैं। अब उनका विचार है, अब उनके विचार से है, अब अलग अलग सबके विचार हैं। संत समाज भी अहंकार वाले बयान पर कह रहे हैं कि मामला कुछ और है। इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। आरएसएस ने भी साफ कहा है कि इंद्रेश का बयान आरएसएस का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत गोरखपुर में मिलेंगे, यानी चुनाव परिणाम आने के 11 दिन बाद। अब तक ये